हरे कृष्णा राधे राधे। आज की वीडियो में कान्हा जी का श्रृंगार करने वाली हूँ। और ये श्रृंगार जो अभी ड्रेस पहन रखा है कान्हा जी ने, ये वसंत पंचमी में मैंने इनको ये ड्रेस पहनाई थी और श्रृंगार किया था। तो अब इस वीडियो में मैं होली का श्रृंगार आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो होली जो है अब तो निकल चुकी है, लेकिन इनको इनकी वीडियोस मैं थोड़ा सा लेट ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, एक दो दिन लेट ही हो गया है। बट आज की श्रृंगार में कान्हा जी कैसे लगते हैं देखते हैं और कैसे श्रृंगार करवाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर कान्हा जी अच्छे लगते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखते हैं कि आज कान्हा जी किस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, कैसी ड्रेस पहनते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक एक करके मैं सारी चीज़ें इनको पहनाती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़रूर देखिए, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं राधा रानी का श्रृंगार भी शेयर करूंगी आपके साथ। हरे कृष्णा 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 हरे। तो देखिए कान्हा जी की ड्रेस मैंने चेंज कर ली है, और ये इनका ड्रेस है जिसमें मैंने पैंट भी बनाया है और इस तरीके की ऊपर की ड्रेस बनाई है जिसमें काफ़ी अच्छी फ्लेयर बन के आई है, और डोरी लगाई है जिससे कि ये बीच में फिट हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी फिटिंग भी आती है। और ये ड्रेस इनको बहुत अच्छे से आ गई है जो कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस ड्रेस की मेकिंग वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है कि इसको मैंने कैसे बनाया है, और ये समर के लिए जो क्रॉचेट थ्रेड आता है उसी से मैंने इसको बनाया है। तो कान्हा जी ड्रेस तो पहन के रेडी हो गए हैं, अब आगे देखते हैं कि इनको किस टाइप की ज्वेलरी पहननी है। जैसा ये चाहेंगे वैसे ही इनका श्रृंगार होगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक नेक पीस है जो कि थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको ही पहनाऊंगी मैं, और इसको पहना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि एक और नेक पीस पहनाऊँ इनको, लेकिन वो सही नहीं लग रहा था पहनाने के बाद, तो मैंने फिर हटा दिया। और मैं देख रही थी ट्राई कर करके कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, बट वो नहीं अच्छा लग रहा था, ओवर लग रहा था, इस वजह से फिर मैंने हटा दिया। और ये एक ही पहनाया है जो डबल लेयर में है नेकलेस, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे मोतियों की एक माला है ग्रीन कलर की जो कि ड्रेस से लगभग मैच कर रही है, तो इसको मैं गले में कुछ इस तरीके से लगा दूँगी और सेट कर दूँगी, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा क्योंकि गले में एक छोटा सा नेकलेस तो चाहिए था, तो मैंने इसी को फिर पहना दिया। और इसको सेट कर लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे इनको इनका पटका दे देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसको साइड पे इस तरह से दूंगी, और बीच में किनारे पे लटकन लगाई है तो ये इस तरीके से काफ़ी अच्छी लग रही है, तो साइड पे ऐसे मैं इनको इनके हाथों पर दे दूँगी। तो थोड़ा सा ये क्रॉचेट थ्रेड से बना है तो थोड़ा सा हार्ड हो रखा था, तो इसको थोड़ा सेट किया मैंने फिर, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए मैंने होली के लिए इनके लिए बैंगल खरीदी थी जो कि मल्टी कलर की थी, तो ये बैंगल इनको मैं पहना देती हूँ, और दोनों हाथों में बैंगल पहनाऊँगी। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं इनको पायल पहना देती हूँ, और पायल पहनाने के बाद आगे देखते हैं कि और क्या क्या पहनाने वाली हूँ मैं। तो राधा रानी का जो श्रृंगार होगा वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं उनकी श्रृंगार की वीडियो नेक्स्ट शेयर करूँगी इसके बाद। तो इनको मैंने पायल तो पहना दिया, अब मैं इनको इयररिंग्स पहनाऊँगी। तो ये थोड़ी सी बड़ी है इयररिंग्स, तो फिर भी मैं लगाने की कोशिश करूँगी क्योंकि होली का श्रृंगार है, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, तो इस वजह से मैं ये वाली इयररिंग्स इनको लगा रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो इयररिंग्स लगाने के बाद आगे देखते हैं। तो अब मैं इनको हेयर विग लगा देती हूँ, और हेयर विग लगाने के बाद मैंने मुकुट बनाया है इनके लिए, मतलब पगड़ी बनाई है, तो वो पगड़ी इनको मैं पहना दूँगी। तो देखिए ये पगड़ी मैंने इनके लिए रेडी की थी, तो ये वाली जो पगड़ी है इसको मैं पहना दूँगी, और इसके बाद लगभग कान्हा जी रेडी हो गए हैं। बस इनको तिलक लगाना है और बांसुरी देनी है इनको, उसके बाद इनका श्रृंगार लगभग कम्प्लीट हो जाएगा। तो एक बार ये फाइनल करके और फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इनको थोड़ी सी मुकुट में इनके अटैचमेंट लगाऊंगी पगड़ी में,
तो एक छोटी सी अटैचमेंट मैंने किनारे पे लगाई है और उसके बाद एक साइड पे और लगाऊंगी, देखती हूँ कि क्या लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने चेंज करके ये अटैचमेंट लगाई है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक अटैचमेंट सोच रही हूँ कि और लगाऊँ जिससे कि और थोड़ा सा हैवी लुक आए। तो लगभग कान्हा जी रेडी हो गए हैं, बस थोड़ा सा और इनकी पगड़ी को डेकोरेट करती हूँ, उसके बाद फाइनल रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके की एक ईयरिंग्स है जो कि मैंने इनकी पगड़ी में लगाई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर कान्हा जी अच्छे लग रहे हों आपको तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके की एक गोल स्टोन वाली बिंदी जैसी है तो उसको मैं लगा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है जो कि बिल्कुल मैच कर रही है। तो देखते हैं, बस फाइनल रेडी हो चुके हैं, बस एक बार थोड़ा सा अच्छे से सेट कर दूं। तो ये पगड़ी मैंने कैसे बनाई है इसकी वीडियो भी मैं आगे हो सकता है कि आपके साथ शेयर करूं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास छोटा सा पेंडेंट जैसा था तो जिस पर राधे राधे लिखा है उसको मैंने इनके हाथों पे इस तरीके से रिंग की तरह लगाया है, और अब मैं इनका नोज पिन लगा देती हूँ। उसके बाद कान्हा जी रेडी हो चुके हैं फाइनली, अब मैं इनको बांसुरी दे दूँगी और इत्र लगा के इनका पूरा श्रृंगार कंप्लीट करूँगी। और राधा रानी का जो श्रृंगार होगा वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो राधा रानी भी बहुत प्यारी लग रही हैं रेडी होने के बाद, तो उनकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। थोड़ा मैं इनकी जो पगड़ी है इसको अच्छे से सेट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अटैचमेंट मैं लगा रही हूँ वो गिर ना जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा अच्छे से मैं फ़िक्स कर रही हूँ। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा ऊपर लगाया क्योंकि ये लूज़ हो रहा था, और लूज़ होके गिरने का मतलब रहता है कि लूज़ होगा तो गिर जाएगा, तो मैंने सोचा कि इसको ऊपर लगा देती हूँ, और जो छोटा वाला अटैचमेंट लगाया था उसको मैंने हटा दिया। अब मैं इनको इत्र लगा देती हूँ, और इत्र लगाने के बाद इनका पूरा श्रृंगार कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और इनकी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये होली का श्रृंगार है, राधा रानी का श्रृंगार मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप कृष्ण 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 हरे